हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक क्लासेस। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत पहुंचे। हेलो दोस्त, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बिहार SI में जो वैकेंसी आई है उसकी जानकारी देने के लिए लाइव हुए हैं, तो प्लीज सुने इसको। काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, 2404 पोस्टें आई हैं बिहार में SI के लिए, तो इसकी जो पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ना। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म डालने का स्टार्टिंग डेट 22 अगस्त था, है ना। लास्ट डेट जो है वो 25 सितंबर है। और जो इसका मतलब शैक्षणिक योग्यता का जो मतलब लिया गया कि किस दिन से उसको काउंट करेगा, तो वो 1 अगस्त 2019, मतलब जिसकी डिग्री इस डेट के पहले पूरी हो गई है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 1 अगस्त 2019 को काउंट करेगा, है ना। तो जिसकी डिग्री इस डेट के पहले पूरी हो गई है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। हाँ, और एज की भी जो क्राइटेरिया रखा है वो 1/1/2019 रखा है, मतलब 1 जनवरी। दो चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली हैं कि मतलब जिसकी एज कैटेगरी जो काउंट करेगा वो कब से करेगा, 1/1/2019 से, और जो एजुकेशनल का डेट लिया गया है वो 1 अगस्त से लिया गया है। एज सबके लिए अलग अलग है, जैसे जनरल के लिए 37 ईयर है, महिला अगर जनरल है तो 40 ईयर है ना, तो उसके बारे में बात करूँगा मैं अभी। तो जो सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब, हाँ, और ये क्या होना चाहिए, स्नातक ग्रेजुएशन मांगा है, क्या मांगा है, ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए, है ना। चलिए हम अब बात करते हैं एज के लिए कि किसके लिए क्या एज रखा है ना। देखिए जो मिनिमम एज रखी है, मिनिमम एज है 20, मिनिमम, राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज, मिनिमम एज 20 ईयर तो होना ही चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज सबके लिए अलग अलग, जो जनरल है जनरल के लिए और EWS मेल के लिए 37 ईयर, और जनरल EWS ये मेल के लिए था, मेल के लिए है ना, और ये फीमेल के लिए जो रखा है ये 40 ईयर रखा है, 40 ईयर है ना। और SC ST मेल फीमेल के लिए, मेल फीमेल के लिए जो रखा है 42 ईयर है ना। और जनरल EWS BC और EBC मतलब जो अपने यहाँ अपन के यहाँ चलता है पिछड़ा वर्ग, तो ये BC का मतलब हो गया पिछड़ा वर्ग और EBC का मतलब हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग, है ना, पिछड़ा वर्ग। इन लोग के लिए जो एज क्राइटेरिया रखी है वो 42 ईयर रखा गया है ना, 40 ईयर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें पोस्टें जो आई हैं, 2404 पोस्टें हैं टोटल, और किस में कितनी कितनी पोस्टें हैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। जो पुलिस SI के लिए है, पुलिस SI के लिए है, उसमें 2064 पोस्ट हैं। सर्जेंट की पोस्ट है, सर्जेंट के लिए 215 पोस्ट हैं, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट जो है 125 है। ये टोटल कितनी पोस्ट हैं, 2404 पोस्ट। शैक्षणिक योग्यता के लिए बात किए थे, शैक्षणिक योग्यता हमने बता दिया किस डेट पे काउंट करेगा, 1/8/2019 से, मतलब इस दिन आपका ग्रेजुएशन कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे आपसे। एग्जाम पैटर्न, इसमें जो एग्जाम होगा वो दो फेज में होगा, एक प्री और दूसरा मेंस, है ना। अब देखिए प्री में क्या आएगा, प्री में जो होगा 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का,
100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का समय रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, है ना। दो मतलब क्या हुआ, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, है ना। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग 30% मार्क्स आपको लाना है। जैसे 200 नंबर का है तो 200 का 30% कितना होगा, कितना नंबर, 60 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, 60 नंबर कम से कम। पर ये कोई वो नहीं है कि आपको 60 नंबर ला लेंगे तो क्वालिफाई माना जाएगा, वो 15 गुना आपको शॉर्ट लिस्ट, सॉरी 20 गुना प्री में 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए 2400 पोस्ट है, 2404, तो इसके 20 गुना बच्चों को प्री में क्वालिफाई करेगा। कम से कम 30% तो मार्क्स रखा ही है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप 30% ला लिए तो प्री मेंस के लिए आप एलिजिबल हो गए, है ना। अब देखिए प्री में आएगा क्या, प्री में आएगा क्या, जैसा कि हमने बताया कि प्री में 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 घंटे समय। अब ये 100 क्वेश्चन किसके रहेंगे, ये पूरा इसमें रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान और जो समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे मतलब करंट अफेयर कह सकते हैं, मुद्दे है ना, यही 2 रहेंगे 100 क्वेश्चन इसी के, और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान में तो सब कुछ आ गया आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और आपका इकोनॉमी, विविध है ना, खेल कूद, और ये समसामयिक मुद्दे जो हो गए इसमें करंट अफेयर, ये क्या है, जो अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है वहाँ पे, करंट अफेयर, ठीक है। अब देखते हैं मेंस के लिए, चलिए ये तो प्री की बात हो गई। अब मेंस जो होगा, मेंस में 2 पेपर होंगे, मेंस में 2 पेपर होंगे। एक पहला पेपर होगा हिंदी का, सामान्य हिंदी का, है ना। सामान्य हिंदी में क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें भी वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 30% इसमें, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ये क्या है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग, इसके नंबर जो है आपके नंबर ऐड नहीं होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है कि इसको आप सिर्फ क्वालिफाई मतलब 30% नंबर ला लेंगे, दैट मीन 60 नंबर 200 में तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें इसका जो नंबर आएगा कि आप 200 में 180 200 लाइए, उससे मतलब नहीं है, ऐड नहीं होगा ना। और जो इसका सेकंड पेपर होगा, मेंस का जो सेकंड पेपर, इसमें जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर भी आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे टाइम रहेंगे, है ना। अब इसमें आएगा क्या, देखिए इसमें तो सबसे पहले तो आएगा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, दूसरा आएगा नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, तीसरा आएगा भारतीय इतिहास, चौथा क्या आ सकता है, भारतीय भूगोल, भूगोल, गणित और रीजनिंग, रीजनिंग तार्किक ज्ञान, इनसे रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन, है ना। अब ये नहीं दिया है कि किससे कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो लगभग 15-20 क्वेश्चन तो रहेंगे, है ना। हाँ, और माइनस मार्किंग भी है इसमें, 0.2 नंबर कटेगा आपका, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.2 माइनस मार्किंग होगी, है ना। माइनस मार्किंग है कितना, 0.2 नंबर कटेगा, है ना, एक क्वेश्चन, ठीक है। अब मेंस के बाद इसमें तीसरा स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप इसमें क्या है, फिजिकल है। तो फिजिकल के मेंस में जो भी बच्चे देंगे पेपर, उसमें 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, कितने, 6 गुना, मतलब एक पोस्ट के लिए 6 बच्चों को बुलाया जाएगा पोस्ट में, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपकी 2404 पोस्ट हैं, तो उन्हें 6 इतने बच्चों को बुलाया जाएगा टोटल, है ना, मेंस के बाद फिजिकल के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप फॉर्म कहाँ से डालें, तो फॉर्म डालने के लिए आप जाएं
हाँ फॉर्म डालने के लिए जो सबसे मेन है कहाँ जाना है, तो www.bpssc.bih.nic.in पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ना। 700 रुपये जनरल के लिए फॉर्म फीस है और 400 रुपये अदर कास्ट के लिए है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सब लोग डाल सकते हैं ना, अदर स्टेट के भी लोग प्लीज़।